नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरे यूपी को मथने के लिए निकल पड़े बीजेपी के भगवाधारी नेता और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को रामपुर जिले में थे। ये वही जिला है जहां से सपाई आजम खान सांसद है, तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कभी स्वार सीट से विधायक हुआ करते थे। आजम के इसी गढ़ रामपुर जिले में चुनावी रैली करने गए सीएम योगी ने जब मंच संभाला तो फिर देखिए किस कदर इशारों ही इशारों में आजम खान पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ये वक्त भी बड़ा अजीब है। जिस सपाई सांसद आजम खान का कभी रामपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक भौकाल हुआ करता था, जिस आजम खान को कभी अखिलेश सरकार में नंबर दो माना जाता था, वहीं आजम खान यूपी की सत्ता पलटते ही आज जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारने को मजबूर। साल 2017 में सपाई सत्ता जाने के बाद आजम खान ने रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली की ओर रुख कर लिया और यूपी की सियासत से एक तरह से दूरी बना ली थी। मगर ये योगी सरकार थी जिसने सत्ता में आते ही ऐलान कर दिया था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, बदमाश, माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह वो है जहां वो जाना नहीं चाहते। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। सत्ता में आने के बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबली और माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शनिवार को उस रामपुर जिले में चुनावी रैली करने गए थे जहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान सांसद। अब आजम खान के गढ़ में जाकर सीएम योगी आजम खान पर हमला ना बोले ये भला कैसे हो सकता। उन्होंने आजम खान पर वार करने के लिए उसी रामपुरिया चाकू का इस्तेमाल किया जिस रामपुरिया चाकू की धार पूरे देश में मशहूर है। आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये। चाकू को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताते बताते सीएम योगी ने ये तंज भी मार दिया कि जिसने जैसा किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। सीएम योगी का ये बयान आजम खान की ओर इशारा माना जा रहा है, क्योंकि ये आजम खान ही हैं जिन पर अवैध जमीन कब्जा ने फर्जी कागजात पेश करने समेत अन्य कुछ मामलों में केस चल रहा है, जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारने को मजबूर। इसी रैली में सीएम योगी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया जब उनके हेलीकॉप्टर को रामपुर में नहीं उतरने दिया गया था। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आना था तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, याद है ना। तो मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि हो सकता कि ओलग जी ने ही ना उतरने दिया हो, लेकिन बाद में जब मैं यहां से वापस बागपत पहुंचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहां तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए थे और इसलिए जहाज ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपका स्नेह हमें यहां पर लेके आ गया है और यहां पर आपने सरदार बल्लेव सिंह ओलग जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस जनविश्वास यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो,
खुशहाली भरा हो, विकास की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो, केंद्र और प्रदेश सरकारें आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए वे सभी उपाय करें जो आपके और आपकी आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलदायी बना सके। इस विश्वास के साथ मैं अपनी पार्टी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं सीएम योगी और आजम खान के बीच सियासी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। ये उस वक्त की बात है जब सीएम योगी लोकसभा में फूट फूट कर रोए थे। योगी जी, we all respect you. Please, if you feel, we shall certainly look into it. एक्चुअली मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। ये बात साल 2007 की है जब यूपी की सत्ता में सपा सरकार थी और सीएम योगी सांसद। मगर आज वक्त बदल गया है, अब खुद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और कभी सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान जेल की सलाखों के पीछे। साल 2020 में आजम खान को जब कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था तो उसी वक्त कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने इसे योगी का बदला बताते हुए कहा था कि पूरा प्रदेश इस बात को मानता है कि जब मुख्यमंत्री जी देश की लोकसभा में रोए थे उस आंसू के पीछे आजम खान की बड़ी भूमिका रही। लेकिन बीजेपी ने इसे अदालती कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस के बदला वाले आरोप पर सख्त एतराज जताया था। बहरहाल आजम खान के जेल जाने के बाद जिस तरह से सीएम योगी ने उनके गढ़ रामपुर में जाकर ये बात कही है कि जिसने जैसा किया उसको उसका फल भी दे दिया गया, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।